तो दोस्तों ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन में जब से सब्सिट्यूट प्लेयर यानी कि इंपैक्ट प्लेयर का रोल आया है तब से ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन में जो भी टीम बनाते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक टीम से पूरे आपको 5 सब्सिट्यूट प्लेयर देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि टोटल हमें 10 सब्सिट्यूट प्लेयर में से एक इंपैक्ट प्लेयर को लेना होता है, तो ऐसे में कंफ्यूजन क्रिएट होना तो लाजमी है। सो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको यही बताने वाला हूं कि सब्सिट्यूट प्लेयर को आपको कैसे लेना है, सब्सिट्यूट प्लेयर के जो पॉइंट है वो आखिर हमारी टीम में कैसे ऐड होंगे और कौन कौन सी गलतियां आप करते हैं जिसके कारण आपके जो पॉइंट है सब्सिट्यूट प्लेयर यानी कि इंपैक्ट प्लेयर के वो क्यों नहीं बनते हैं, तो सारा कन्फ्यूजन क्लियर करने की कोशिश करूंगा मैं इस वीडियो में। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं टेक्नोनॉलेजर चैनल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों आज है मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल का मैच और इनकी जो टीम है वो भी अनाउंस हो चुकी है और इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि सब्सिट्यूट प्लेयर को आपको कैसे लेना है ताकि सब्सिट्यूट प्लेयर के जो पॉइंट है वो आपकी ड्रीम टीम में ऐड हो। मगर उससे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ गलतियों के बारे में जो कि मैक्सिमम यूज़र करते हैं, तो इन गलतियों को पहले आपको अवॉइड करना है। तो कौन सी है वो गलतियाँ जानने के लिए पहले यहाँ पर मैं टीम 2 को क्रिएट कर लेता हूँ। और अब दोस्तों यहाँ पर मैंने टीम 2 को बना लिया है, इसके बाद मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन को भी जल्दी जल्दी से सेलेक्ट कर लिया है केवल डेमो के लिए आपको दिखाने के लिए। इसके बाद में मैं इसे सेव कर देता हूं। सेव करने के बाद में सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखिए ये है मेरी प्लेइंग 11 जिसके अंदर सारे के सारे जो खिलाड़ी है वो अनाउंस प्लेयर है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो जाते हैं बैकअप में। बैकअप में जाने के बाद में वो क्या करते हैं कि बैकअप में सब्सिट्यूट प्लेयर को ऐड कर लेते हैं, जैसे कि B1, B2, B3 और B4 में मैंने यहाँ पे सारे के सारे सब्सिट्यूट प्लेयर को ले लिया है। अब वो सोचते हैं कि जैसे ही मैच स्टार्ट होगा अब इनमें से जो भी सब्सिट्यूट प्लेयर खेलेगा तो उनका जो पॉइंट है वो हमारी ड्रीम टीम में ऐड होगा, मगर ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो ड्रीम इलेवन का रूल है जिसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपने जो भी खिलाड़ी प्लेइंग इलेवन में ऐड किया है केवल उसी के जो पॉइंट है वो आपकी ड्रीम टीम में ऐड होने वाला है। तो यानी कि अगर आपने सब्सिट्यूट प्लेयर को बैकअप में लिया है और अगर वो खेलता है तो उसके जो पॉइंट है वो आपके बैकअप में ही ऐड होंगे, ना कि आपकी प्लेइंग 11 टीम में। तो सबसे पहले तो इस गलती को आपको अवॉइड करना है, सब्सिट्यूट प्लेयर को आपको बैकअप में ऐड नहीं करना है। और अब दोस्तों इसके बाद में मैं आपको एक और गलती के बारे में बताना चाहूँगा, तो उसे समझने के लिए पहले प्रैक्टिकल यहाँ पर मैं एक और टीम बनाने वाला हूँ जो कि होगी हमारी टीम 3। और यहाँ पर दोस्तों मैंने टीम 3 को भी क्रिएट कर लिया है, कैप्टन वाइस कैप्टन को भी ले लिया है और यहाँ पर मैंने टीम को भी सेव कर लिया है। सेव करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मेरी टीम 3 का प्रीव्यू जिसके अंदर आप देख सकते हैं 10 खिलाड़ी आपको अनाउंस प्लेयर मिल जाएंगे। अब मैं सोचता हूँ कि शायद आज यहाँ सब्सिट्यूट प्लेयर में मफाका जो खिलाड़ी है वो खेल जाए, बॉलिंग करने के लिए आ जाए, तो यहाँ पे मेरी प्लेइंग 11 में ऐड है। मगर बहुत सारे लोग गलती क्या कर देते हैं, देखिए वो बैकअप में जाते हैं, बैकअप में जाने के बाद में सबसे पहले तो वो जिन खिलाड़ी को नहीं लिए होते हैं उनको ऐड कर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। इसके बाद में मैंने यहाँ पर बैकअप को भी सेव कर दिया है। अब सेव करने के बाद में दोस्तों होगा क्या, जैसे ही दोस्तों खिलाड़ी प्लेग्राउंड पे जाएंगे खेलने के लिए तो यहाँ पे जो मफाका है वो रिप्लेस हो जाएगा ऋषभ पंत के साथ में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर आप कोई भी सब्सिट्यूट प्लेयर को लेते हैं तो उसका आपको बैकअप नहीं लेना है। अगर आप बैकअप लेंगे तो उसका जो पॉइंट है वो नहीं बनेगा, होगा क्या कि आपके बैकअप के साथ में आपका जो सब्सिट्यूट प्लेयर है वो रिप्लेस हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे जो कि देखिए मैच स्टार्ट होगा ना, तो उसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको अटैच करके दिखा दूंगा, मफाका की जगह आ जाएंगे ऋषभ पंत। सो मेक श्योर दोस्तों जब भी आप सब्सिट्यूट प्लेयर को लें तो उसका आपको बैकअप ऐड नहीं करना है। तो अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आखिर सब्सिट्यूट प्लेयर के जो पॉइंट है वो आखिर हमें मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, तो इसके लिए मैं आपको टीम 4 बना करके भी दिखा देता हूं। और यहां पे दोस्तों मैंने जल्दी जल्दी से टीम 4 को क्रिएट कर लिया है और यहां पे मैंने कैप्टन और वाइस कैप्टन को चूज कर लिया है, टीम को मैंने सेव कर दिया है। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जो टीम 4 का प्रीव्यू है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी प्लेइंग 11 में 10 खिलाड़ी है जो कि अनाउंस है और यहाँ पे एक जो खिलाड़ी है एन धीर जो कि है सब्सिट्यूट प्लेयर। अब दोस्तों मुझे लगता है कि शायद आज की प्लेइंग 11 में एन धीर परफॉर्म कर जाए, यानी कि मैदान पर आ जाए, कुछ रन या फिर कुछ बॉलिंग में अपना योगदान दे और जो पॉइंट है वो कमा ले। तो ऐसे में दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे अगर आपने किसी भी सब्सिट्यूट प्लेयर को लिया है तो आपको उसका बैकअप ऐड नहीं करना है। अगर दोस्तों आप गलती से बैकअप ले लेंगे ना
तो आपके जो पॉइंट है वो आपकी ड्रीम टीम में बिल्कुल भी ऐड नहीं होने वाले हैं। मगर दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा ही देता हूँ कि यहाँ पे जो सब्सिट्यूट प्लेयर है दोस्तों वो हो सकता है एंदिर खेले या फिर ना खेले। अगर आप कन्फर्म है कि आज ये खिलाड़ी खेलेगा तभी आपको सब्सिट्यूट प्लेयर को अपनी प्लेइंग 11 में ऐड करना है। जैसे कि दोस्तों आज के मैच में मैं कंफ्यूज हूँ कि शायद ए मधवाल आ जाए या फिर एंदिर आ जाए या फिर हो सकता है मफाका आ जाए, तो बड़ा ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो ये जो सब्सिट्यूट प्लेयर का जो रूल है ना भाई साहब, क्या ही बताऊँ, इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो पैसे हार जाते हैं। अगर ड्रीम इलेवन को फेयर प्ले खेलना ही है तो भाई साहब इस सब्सिट्यूट प्लेयर को प्लीज रिमूव कर दीजिए, आईपीएल के दौरान तो कम से कम कर ही दीजिए। सो आई होप कि दोस्तों अब आपके सारे डाउट सारे कंफ्यूजन क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपके मन में कुछ सवाल है सब्सिट्यूट प्लेयर इंपैक्ट प्लेयर को लेकर के तो कमेंट बॉक्स है, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा और टॉपिक अच्छा रहा तो उस पर मैं वीडियो भी जरूर बना दूंगा। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही मेरे बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जब भी हमारे यूट्यूब चैनल पे आएगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी।